हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एवरीडे मेकअप रूटीन शेयर करूंगी। ये लुक आप इजीली जस्ट 5 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं। होप सो आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले लगाएंगे हम एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, साथ में हमारी स्किन पे प्राइमर का काम करेगा। तो हमें दो प्रोडक्ट के बेनिफिट एक ही प्रोडक्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे लैक्मे का वेटलेस मूस फाउंडेशन। ये इतना सॉफ्ट टेक्सचर है कि इतनी ईजीली ब्लेंड हो जाता है। जिन लोगों को लगता है जिनका फाउंडेशन ईजिली ब्लेंड नहीं हो रहा, तो उनको एक बार ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है और बहुत ही ईजिली ब्लेंड होता है। इसका एक छोटू पैक 150 रुपीज़ का आता है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लाइट वेट मूस फाउंडेशन है, एवरी डे के लिए परफेक्ट है। इसके बाद हम लगाएंगे लैक्मे 925 का कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा है और जिनका ऑयली स्किन है उन लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट है, ऑयल फ्री कॉम्पैक्ट है। इसके बाद हम लगाएंगे ब्लशर। ब्लशर में मैं लैक्मे का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। ब्लशर हम लाइट रखेंगे क्योंकि एवरीडे मेकअप लुक है, हम तो अपने मेकअप को नेचुरल रखेंगे। हम हाइलाइटर और कंसीलर यूज़ नहीं कर रहे। इसके बाद हम लगाएंगे आईब्रो पेंसिल। आईब्रो पेंसिल तो हमें यूज़ करनी चाहिए, चाहे हम मेकअप करें या ना करें। आईब्रो हमारे होल लुक को चेंज कर देता है। अगर हम मेकअप नहीं भी कर रहे तो जस्ट आईब्रो फिल की एंड लिपस्टिक लगाई तो वो भी बहुत नेचुरल अच्छा लुक लगता है। इसके बाद हम अपने पैलेट का लाइट न्यूड पिंकी शेड लेंगे एंड इसे अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करेंगे। लाइनर में मैं लैक्मे का IRTC यूज़ कर रही हूँ। ये डीप ब्लैक है, सुबह से शाम तक कहीं नहीं जाता और पेन स्केच पेन की फॉर्म में तो इजीली लग जाता है। जिन लोगों से लिक्विड लाइनर नहीं लगता, उन्हें एक बार ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इससे इजीली आपका लाइनर लग जाएगा। अब अपने पैलेट का हम सिल्वर शेड लेंगे, उसे अपनी इनर कॉर्नर ऑफ द आई से लेकर सेंटर ऑफ द आई तक अप्लाई करेंगे। हम एवरीडे मेकअप में डिफरेंट आई मेकअप लुक ट्राई कर रहे हैं। इसे अच्छे से लगाने के बाद पर्पल शेड लेंगे, उसे सेंटर ऑफ द आई से लेकर एंड ऑफ द आई तक अप्लाई करेंगे। अब आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए मैं अपना मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, मस्कारा। मस्कारा गर्ल्स पूरे मतलब इतना अच्छा लगता है मस्कारा लगाते हैं, आईज बड़ी बड़ी लगती है, पलकें इतनी अच्छी लगती हैं। तो मस्कारा आपको अपने एवरीडे में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके लिए मैं लैक्मे का एब्सोल्यूट मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक में मैं लैक्मे 925 का MP7 शेड यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा पिंकिश न्यूड शेड है। अगर आप लाइट पिंक शेड बाय करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। अब मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हम लास्ट स्टेप करेंगे, अपने मेकअप को सेटिंग स्प्रे की हेल्प से सेट करेंगे। चाहे विंटर हो या समर हो, हमें अपने मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये मेरा DIY सेटिंग स्प्रे है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। होप सो गाइज आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।